देखो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, जैसे आप वाटर को ऐड करोगे तो वाटर के ऐड करने से क्या होगा, देखो एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर में दो केस होते हैं, एक आपका होता है अगर आप वाटर को ऐड करोगे, वाटर को ऐड करने से क्या होगा कि एक है आपका इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, इसकी प्रेजेंस में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं इन एल्काइन्स, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, यानी एल्डिहाइड और कीटोनिस फॉर्म्ड, या तो बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और या बन जाएगा कीटोन इस फॉर्म्ड, एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्मेशन होगा। पहले से लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड HgSO4 एंड H2SO4 क्या होगा, वाटर इज एडेड इन एल्काइन, तो बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। ओके सर। हाँ इसको लिखना, ये सही डन। डन। अब देखो इसमें क्या करना आपने कि जैसे मैंने लिखा ये ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया CH3C CH, ठीक है। अब वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Hg2+ एंड H+। तो शॉर्ट में कहते हैं Hg2+ का मतलब हो जाएगा HgSO4 और H+ का मतलब है H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब ये दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर जो वाटर होगा वो कहाँ ऐड होगा, पहले अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल वाटर टूटेगा H+ एंड OH- में, तो ये H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा, ये OH कहाँ जाएगा, किस कार्बन के साथ अटैच होगा, सर सी के साथ सेकंड पोजीशन में। हाँ, तो ये चला गया सी, यानी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा और ये हो जाएगा एच के सर साथ, ठीक है। फर्स्ट तो ये बन पोजीशन जाएगा में। CH3C और यहाँ चले जाएगा ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होता है आइसोमेरिज्म का पार्ट। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो ये एच है, ये एच यहाँ से खिसक के इसके पास आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खिसक के इसके पास चले जाता है, तो ये बनेगा CH3C OCH3, यानी क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है, बन जाता है कीटोन। तो ये देखो किससे बना, ये प्रोपाइन से, प्रोप आइन, प्रोपाइन से क्या बन गया, कीटोन, इसका नाम होता है एसीटोन, ठीक है, इसे कहते हैं एसीटोन, एसीटोन। तो ये किससे बनेगा, प्रोपाइन से बन जाएगा एसीटोन, यानी कीटोन, तो कीटोन फॉर्मेशन हो गया, इसे लिख लो।
अब देखो एक जैसे और एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H+, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये टूटेगा H+ में और OH- में। अब ये तो दोनों सेम है, तो कहीं पे भी OH ले जाओ और कहीं पे भी H ले जाओ, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बन जाएगा CH3, सॉरी ये तो मैंने एक जो है एक H ज्यादा लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है, एक H यहाँ पे मैंने ज्यादा लगा दिया था, यहाँ पे इसको भी हटा देना है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एच यहाँ जाएगा तो ये जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा OH आ जाएगा, तो जाएगा CH और यहाँ पे जाएगा OH, ठीक है। फिर वही चीज होगी टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो टॉटोमेरिज्म इसमें क्या होगा कि एच है जो, ये किसके पास चले जाएगा, बगल वाले के पास, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये जाता है CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच, यानी इसको कहते हैं एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, 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 या IUPAC नेम है इसका एथेनल, एथेनल यानी कीटोन, ओ सॉरी एल्डिहाइड बन गया ये, तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यस सर, डन। अब देखो इसमें क्या होता है कि वैसे देखो ये समझने के लिए, ये इससे नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, सपोज मैंने कहा H2O, ठीक है, तो H2O किस में टूटेगा, H+ में और OH- में, तो ये OH- इसके साथ चला गया, H+ इसके साथ आ गया, तो बन जाएगा CH3 C और यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। अब एक और वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दो, H2O, H2O मीन्स फिर क्या हुआ, H+ और OH-, तो फिर ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3C, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, और ये CH3। अब ध्यान रखना एक चीज का कि एक कार्बन में दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हट जाता है, तो ये वाटर हट जाएगा, तो जैसे ही वाटर हटेगा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो ये ऐसे भी कंपाउंड बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो ध्यान रखना एक कार्बन में दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक, तो ऐसे भी हो सकते, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन स्टेप ओके है, सर, हाँ ये मेन स्टेप है टॉटोमेरिज्म के थ्रू, पर ये कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है, और एक कार्बन में दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, ओके सर, इसे लिख लो। सर इस वाले पॉइंट की हेडिंग क्या है? ये वही है, बस उसी को समझाया हुआ है दूसरी लैंग्वेज में। ओके सर, मतलब जो अभी हमने किया था कि वो प्रोडक्ट बना कैसे, उसका एक तरीका ये भी है कि ऐसे भी समझा सकते हैं हम। ओके सर, यस सर, डन। देन अब आता है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कहा एसिडिक करेक्टर शो करता है एल्काइन, तो एसिडिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन, तो
एसिडिक रिएक्टर का मतलब क्या होता है जनरली? सर जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नहीं एसिडिक का मतलब होता है जनरली जो H प्लस को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक है, जो H प्लस को डोनेट कर देते हैं इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये हो गया एसिड, यानी ये अपने इस H को डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो ये अपने इस H को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे सोडियम मेटल हो गया, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और तो ये बन जाता है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो जैसे ही जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, ठीक है, तो ये एसिड की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। एक निकलेगा तो एक हो गया हाफ ओ टू, ठीक है, तो ये इसकी एसिडिक रिएक्टर हो जाती है। अगर ये दोनों निकालना चाहोगे आप तो फिर ये दोबारा रिएक्शन करेगा, जैसे ये है सी एन ए है, एक एच इसमें बचा हुआ ये वाला सी के साथ, तो फिर आप, फिर ये सोडियम मेटल तो है इसमें, तो ये दोबारा एच को भी क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा एन ए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, ठीक है, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन, तो इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एसिडिक, एसिडिक का मतलब जो रिमूव हो जाता है, ठीक है, एसिडिक का मतलब जो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और जो रिमूव नहीं होता उसे एसिडिक नहीं बोलेंगे। जैसे सी का है, जनरली यहाँ पे सी के साथ ये एच रिमूव हो रहा है, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये रिमूव नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड में इसको हम एसिडिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में उसे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन किसे बोलेंगे, जो एच जल्दी रिलीज हो जाए, खुद निकल जाए, तो होता है एसिडिक करेक्टर। तो इसे लिख लो, एसिडिक करेक्टर मीन्स क्या हो गया, टू डोनेट एच प्लस आयन, ठीक है, टू डोनेट एच प्लस आयन में क्या होगा कि जो ये आपके पास, कैसे पता चला हमें, जैसे ये एसिड है इसने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया या सोडा लाइम के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, तो इसीलिए इससे पता चलता है हमें कि ये एसिडिक रिएक्टर शो करता है। Yes, sir, then. अब देखो, इसके अलावा ये एक और है सोडा, सोडा लाइम कहते हैं इसको, सोडा लाइम, ये होता है आपका NaNH2, तो ये बेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये होता है एसिड। इसमें भी क्या होता है, जनरली जो मेटल होंगे, देखो ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ चले जाएगा, NH2 के साथ, तो ये NH2 और हाइड्रोजन मिलके NH3 बना देते हैं, और ये फिर वही प्रोडक्ट बनाता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन, ठीक है, और एक और हटाना है तो दोबारा से रिएक्शन करा दो, तो जैसे हमने पहले कराया था, तो ये बेस है, तो इससे पता चलता है कि ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। एसिड का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट एच प्लस, ये एच प्लस यहाँ से अपना डोनेट कर देगा, जो भी एच प्लस डोनेट करेगा हम उसे कहते हैं एसिड, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, इसे लिख लो।
यस आई डन। अब देखो एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जैसे मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, ठीक है, और तीसरा सिंगल बॉन्ड, इन दोनों तीनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सिंगल डबल या ट्रिपल। सर ट्रिपल बॉन्ड की। सर क्यों? इसमें पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, पोलैरिटी ट्रिपल बॉन्ड की ओके वजह से, सर ठीक है, पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है तो इसमें माइनस और प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि तो पाई इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होता जाएगा, तो इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी बिल्कुल नहीं होती है, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। और एक और आता है इसमें, अगर सी बढ़ा दे, जैसे मैंने कहा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दूसरा यहाँ पे लिख दिया सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसके बाद फिर थ्री के बाद फोर कार्बन दिखा दो सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, अब इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। यस सर डन। हाँ अब ये सेकंड वाले में बताओ, सेकंड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बताओ, वन टू थ्री में से, ये है वन टू और थ्री, इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी या इसकी या इसकी। थर्ड वाले की। नहीं, इसमें होती फर्स्ट की, ठीक है, जितना सी ओके कम सर। होगा उतना ज्यादा होगी एसिड क्रिस्टल, तो पहले इसकी, फिर एक तीन सी है, देखो इसमें इसमें दो ही सी है, इसमें चार सी है, तो जितना सी बढ़ते जाएगा उतना एसिड क्रिस्टल कम होती जाएगी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका फिनिश हो गया। ओके सर। अब हेडिंग लिखो इसमें पॉलीमराइजेशन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद आता है पॉलीमराइजेशन। अभी हमने कल भी पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था एल्केन में, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है मोनोमर से किसमें चेंज करना, पॉलीमर में, पॉलीमराइजेशन, पॉली का मतलब बहुत सारा, यानी कि जब एक यूनिट, यानी जो मोनोमर का मतलब एक यूनिट है, आप इसको कंबाइन करते जाओगे और ये किसमें चेंज हो जाएगा, बहुत सारे में, तो उसे कहेंगे पॉलीमर, तो मोनोमर से क्या बना देगा पॉलीमर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो आपके पास दो चीज होती है, होता है लीनियर, लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो ये लीनियर में क्या होगा, देखो लीनियर पॉलीमराइजेशन, तो लीनियर में आप क्या लोगे, एक सिंपल सी चेन ले लोगे, ठीक है, जो लीनियर पॉलीमराइजेशन से इथाइन हो गया या प्रोपाइन हो गया, इसके दो पॉइंट को आप ले लोगे, जैसे हमने ले लिया इथाइन, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है ना हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इथाइन ले लो, चलो इथाइन ले लिया, ठीक है, अब इथाइन का कैसे करोगे आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जैसे हमने उसमें किया था सेम वैसे ही करना है, इसका हमने पॉलीमराइजेशन करना है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो इसमें क्या किया था हमने, देखो हमने क्या किया था, ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड बनाओ और एक की जगह पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है, और ये एच और यहाँ पे भी एच, अब ये क्या करेगा, एक दूसरा इसका यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगर तीसरा करेंगे तो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी
CH, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक दूसरे का इधर आ जाएगा, तो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH, एक आगे बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद फिर इसके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, तो ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे, इसको N लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉलीमर हो जाता है। तो पहला आपका इथाइन का पॉलीमराइजेशन करेंगे हम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी के नाम से हो जाता है, जैसे इसका नाम क्या, इथाइन, तो इसके आगे पॉली वर्ड लगा दो बस, जैसे उसमें था इन तो पॉली इन, तो ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथाइन, ठीक है। जो भी उसका नाम होगा उसके आगे क्या लगा देना, पॉली वर्ड लगा देना बस, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा पॉली इथाइन, इसे लिख लो। Yes, sir, then. ठीक है, इसमें देखो एक कॉमन नाम आता है, ये आपका ये है, इसका कॉमन नाम क्या, देखो इसका कॉमन नाम है एसिटाइलिन, ACETY, एसिटाइलिन। इसका कॉमन नेम भी आ जाता है कई बार एसिटाइलिन, तो इसको कहेंगे पॉली एसिटाइलिन, पॉली एसिटाइलिन, ठीक है, पॉली एसिटाइलिन। तो ये एसिटाइलिन हो जाएगा और उसके आगे लग जाएगा पॉलीवर्ड, तो पॉली एसिटाइलिन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका है कॉमन नेम, ठीक है, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो ध्यान रखना है कि IUPAC और कॉमन में से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आपने इथाइन से क्या कर दिया, इथाइन के बहुत सारे यूनिट आपस में क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, यानी एल्काइन, एल्काइन क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ एल्काइन्स आर जॉइंट टुगेदर, इसके जो मॉलिक्यूल बहुत सारे, देखो ये NN का मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आपस में कंबाइंड हो गए। तो जब बहुत सारे कंबाइंड होंगे तो इसके आगे क्या लग जाएगा, पॉली लग जाएगा, पॉली इथाइन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। ओके सर, हाँ लिख लिया ये, यस सर। अब ये तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब इसमें एक और वर्ड आता है आपके पास, इसमें एक और वर्ड आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एक तो था लीनियर, एक इसमें आता है साइक्लिक, यानी इसमें साइकिल बन जाएगी, ठीक है। एक तो लीनियर हो गया, एक होता है साइक्लिक, तो दूसरा आता है यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉली POLY पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक का मतलब सीधी सी बात है साइकिल बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने इथाइन ले लिया, ये इथाइन के यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो एक ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके तीन मॉलिक्यूल ले लो, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके तीन मॉलिक्यूल ले लिया आपने, तीन मॉलिक्यूल लेने के बाद क्या किया हमने, इसको यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसे पास करते हैं, क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। इसमें मेन है यहाँ पे कैटलिस्ट, रेड हॉफ आयरन ट्यूब से पास आउट कराएंगे 873 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसका एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये
देखो अगर ये बॉन्ड शिफ्ट कर दिया मैंने तो क्या क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, बेंजीन बन जाएगी। देखो यस सर। ये, देखो ये बेंजीन बन गए। कैसे? यहाँ पे देखो एक सी एच है, अब एक में सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बेंजीन बन जाएगी। तो यानी आपने क्या किया, इथाइन से बेंजीन बना दिया, यानी साइकिल बना दिया, इसीलिए से कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो साइक्लिक में क्या होता है, जो ये इथाइन होता है इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, बेंजीन रिंग को। ठीक है, और किसमें, जब आप उसे पास आउट कराओगे, किससे, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास आउट कराओगे 873 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की डिफाइन क्या होगी, द पॉलीमराइजेशन इन विच इथाइन इज पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, देन बेंजीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसीलिए से कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसे लिख लो। और ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, यस हो गया। तो ये यस आप, सर। हाँ ये आपका एल्काइन भी वो हो गया, ये समझ में आ गया ना आपको। यस सर। इसमें देखो कोई तीनों में कोई प्रॉब्लम है, तीन एल्केन एल्कीन एल्केन, तब ये लास्ट बचता है हमारे पास बेंजीन का। ठीक है, इसके बाद है लास्ट है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ जाऊं सीधा? यस सर। ठीक है, अब लिखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक, एरोमेटिक की डिफाइन क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? ठीक है, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ठीक है, और कंटेन बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और शो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज, या तो बेंजीन रिंग होगी और या फिर क्या करेगा, एग्जिबिट बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज, या तो जिसके पास बेंजीन होगी या बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बेंजीन होगी या बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी होगी, उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो वर्ड है एरोमेटिक, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड होता है एरोमा, ग्रीक वर्ड होता है एरोमा, इसका मतलब होता है, एरोमा का मतलब होता है परफ्यूम्स, यानी स्मेल, स्वीट स्मेल, प्लेसेंट स्मेलिंग। ठीक है, अच्छी स्मेल आती है, प्लेसेंट स्मेलिंग होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्मेलिंग होती है बहुत बढ़िया होती है। तो पहले जो कंपाउंड थे,
जिससे स्मेल आती थी, ठीक है, जिससे स्मेल आती थी उनको हम इस कैटेगरी में रखते थे, लेकिन फिर इसको ब्रॉड कर दिया गया और इसको बोला गया कि मेन ये डिफाइन है कि विच कंटेन बेंजीनिंग और एग्जिबिट बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये पुरानी है और ये न्यू डेफिनेशन है इसकी मॉडर्न, तो इसे लिख लो पहले, हमने लिखी हुई पहले शायद एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में द कंपाउंड इन विच या विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीनिंग और शो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज। और ये स्टार्टिंग में जो था ये जो वर्ड था ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है एरोमा का मतलब होता है प्लेसेंट स्मेल, यानी पहले वो कंपाउंड एरोमेटिक कहते थे जिसको जिसमें स्मेल आती थी, प्लेसेंट स्मेल आती थी जिससे, ये पहले की डिफाइन थी, फिर उसको चेंज किया गया और मॉडर्न में कर दिया। ओके सर, यस सर डन। अब देखो इसके एग्जांपल कौन कौन से, एग्जाम्पल है बेंजीन हो गया, अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, बेंजीन है, पहले बेंजीन ही बना देते हैं, फिर इसके ऊपर से सी एस थ्री ग्रुप लगा दो तो ये हो जाएगा बेंजीन और ये हो जाएगा टॉलिन, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है ये, अगर दो रिंग आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है, दो रिंग आपस में कनेक्ट हो गई, फ्यूज हो गई, तो इसे कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, नेप्थलीन, नेप्थलीन। अगर इसमें तीन रिंग कनेक्ट हो गई, फ्यूज हो गई, तो उसे कहते हैं एंथ्रासीन, 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 ठीक है, एंथ्रासीन। नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, टॉलविन हो गया, बेंजीन हो गया। अगर इसमें और कंपाउंड, अगर दो रिंग आपस में अलग से कनेक्ट हो रही है, दो रिंग ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो इसका नाम होता है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, एक ही बात है, बाइफिनाइल, या फिर इसे कहते हैं फिनाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन, ठीक है, बाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन इसका नाम है, ठीक है। तो बेंजीन, टॉलविन, नेथलीन, एंथ्रासीन या बाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे कंपाउंड है। Yes, हो गया, यस सर। अब है इसका नॉमनक्लेचर, तो नॉमनक्लेचर में हमने उसमें भी देखा था एरोमेटिक में, यहाँ पे भी नॉमनक्लेचर में क्या होता है, अगर आईयूपीएसी करेंगे तो आसान हो जाता है, लेकिन इसका कॉमन नेम टफ पड़ता है, आईयूपीएसी तो बहुत इजी है इसका, लेकिन आईयूपीएसी आता नहीं है कहीं पे, अभी मैं आईयूपीएसी बता रहा हूँ आपको, जैसे ये लिख दिया तो इसे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कौन कौन सी पोजीशन में, 1, 3 में क्या लग गया, डाइमिथाइल, ठीक है, 1, 3 में डाइमिथाइल बेंजीन, 1, 3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो गए। अगर इसमें आपने पोजीशन कहीं पे चेंज कर दिया, कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो ये इथाइल है, दो कार्बन का मतलब इथाइल, एक कार्बन का मतलब मिथाइल, तो पहले किसे लिखेंगे, इथाइल को, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 इथाइल और 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल और फिर बेंजीन, ठीक है। तो ये इसका नॉमनक्लेचर हो गया, इस तरीके से आपको कोई भी ग्रुप आएगा, अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा NO2 ग्रुप, NO2 का मतलब नाइट्रो, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली वर्क करता है, जिस हिसाब से ग्रुप लगा होगा उसके पीछे बेंजीन लगा दे,
ओके सर, हाँ इसको लिखो, इसमें जो रिएक्शंस है एक जैसी रिएक्शंस है पूरी बुक में भी, तो इसकी रिएक्शंस को एक बार आप याद कर लोगे तो क्या होगा, ये एक जैसी रिएक्शन चलेगी सब में। Yesterday. अब देखो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन को हम ऐसे दिखा देते हैं, और यहां डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में यहां सब हाइड्रोजन लगे, ठीक है? तो इन जनरल सीक्वेंस में अगर हम इसको बनाते हैं तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल, जहां पे ओवरलैपिंग होती है, तो ये इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, फोर्थ, फाइव और सिक्स। अब जो ये पी ऑर्बिटल होता है इसमें ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग दिखाने का तरीका क्या है, अगर आपने इसको दिखा दिया डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है, तो एक छूट जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है? एक छोड़ दोगे फिर ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है? पी वाले आप ऐसे भी से दिखा सकते हो, इसमें जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको अलग से हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक में एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा सकते हो कि इसमें ये हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन अटैच है, और डबल बॉन्ड का मतलब उसमें पाई बॉन्ड या पी है जो वो कनेक्ट है, ठीक है? तो इसे लिख लो आप स्ट्रक्चर वाले। Yes, I did. डन। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कितने पाई और कितने सिग्मा है, जैसे ये है ये सिग्मा, ठीक है? इसमें यहां पे चले जाओ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है? और उसके बाद पाई, पाई के लिए क्या हो जाएगा, पाई के लिए यहाँ पे ये वाले पाई हो जाएंगे, कौन से, ये जो ग्रीन से लिखे, ये पाई जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पाई, ये पाई, तो 3 पाई हो जाएंगे, और सिग्मा सारे सिग्मा होंगे, बाकी 3 पाई को छोड़ के बाकी ओके सारे सर, सिग्मा। हाँ सर ये वाला क्या होगा? कौन सा पाई? ये वाला भी पाई होगा हाँ पाई में ऐसे होता है, देखो तो पाई कैसे, सर इसमें फिर 6 पाई नहीं हो जाएंगे? नहीं देखो होता क्या है, ये है ना पी ऑर्बिटल और एक ये है पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में जनरली कैसे ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज, तो इसमें ये और ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये एक ही बॉन्ड है, दिखने में आपको दो लग रहे लेकिन ये एक ही होता है, ठीक है? तो ओके इसीलिए सर, हाँ एक माना जाएगा, तो एक ऑर्बिटल इसका एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है, तो जब ये दोनों कनेक्ट होंगे इस तरीके से, ये दोनों अब जब ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे तब पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके सर, यस सर, डन। अब आता है इसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस
रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो कंपाउंड होता है वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है। तो बेंजीन में क्या हुआ देखो, जैसे कहा 1, 2, 3, 4, 5.6 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आया ये 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5, 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। अब डबल हेडेड एरो है, उसके बाद ये दूसरा आ जाएगा, दूसरा कैसे, ये रिंग हो जाएगी। आप इसमें ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जैसे 1, 2 के बीच में था, अब 2, 3 के बीच में हो गया, 2, 3 के बाद ये आ जाएगा 4, 5 के बीच में, और ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया दोनों। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, या इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और यहां पे जब ये बनेगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। डॉटेड का मतलब ये देखो, पहले यहां था 2 और 3 के बीच में, अब आ गया 1 और 2 के बीच में, तब फिर 2, 3 के, यानी इसका मतलब ये क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ये इसका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और एक हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड अलग है। हाइब्रिड का मतलब होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी मिनिमम हो जाती है इसकी, एनर्जी हो जाएगी इसकी मिनिमम, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है, एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस दिखा दो, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस के, और ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। फर्क क्या है देखो, एरो से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, ये डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और अगर ये डॉटेड लाइन से दिख गया तो इसको 3 पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, तो जब 3 पैरेलल लाइन से सेपरेट होता है तो उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे लिख लो, यस सर, डन। डन। अब देखो इसके बाद एक वर्ड आता है इसमें, रेजोनेंस एनर्जी किसे बोलेंगे, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी होता है इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा,
कि जो एनर्जी किसकी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, उसे कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी की डिफाइन क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ये द डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, तो उसे कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा किसकी होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होता है रेजोनेंस एनर्जी। और जितना रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इससे भी आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो इसमें। ओके सर, यस सर, डन। अब देखो क्या होगा कि एक वर्ड आता है इसमें, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होती क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होती है? ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए क्या होता है, कोई भी चीज को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको भी क्या करनी पड़ेगी, फॉलो सर्टेन कंडीशन। जैसे मैंने कहा ये एरोमेटिसिटी शो करेगा या नहीं करेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, फॉलो सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस शो करनी पड़ती है एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, पहली चीज क्या होनी चाहिए कि ये साइक्लिक होना चाहिए, सिंगल साइक्लिक, SINGLE। ठीक है, सिंगल साइक्लिक होना चाहिए, यानी एक साइकिल में होना चाहिए, इस तरीके से पहली चीज साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, उसमें डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स एबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन, एबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन। जैसे बेंजीन में होता है, डी लोकलाइज का मतलब ऐसे चारों तरफ को पाई इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। ठीक है, पहले सिंगल साइक्लिक होना चाहिए ऐसे एक साइकिल में, दूसरा डी लोकलाइज होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तीसरी चीज क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब एक प्लेन में होना चाहिए। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन को, जैसे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2, sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसका मतलब या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका sp2 या sp इन जनरल वे। ठीक है, रेयर होता है sp3 का। प्लेनर के बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हकल्स रूल, तो ये फॉलो करता है, ओबे करता है हक्कल रूल को, ओबे करता है हक्कल रूल, हक्कल रूल को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा हक्कल रूल को। ठीक, तो ये हक्कल रूल होता क्या है, तो ये पहले चारों लिखो फिर ये हक्कल रूल बताते हैं। तो इसमें हक्कल रूल को भी पूछ लेता है, तो ये चारों कंडीशन जिसकी होगी,
वही एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ओके सर। Yes, sir, done. Done. अब देखो हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल होता है कि विच फॉलो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल इंपॉर्टेंट होता है, मेन यहाँ पे हक्कल रूल होता है जिसको हमने यूज करना है। हक्कल रूल को, हक्कल रूल होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास ये होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास एक रिंग नहीं है, कम है, तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो n इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जाएगा 4 × 0 + 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा इस तरीके से आप दिखा सकते हो ये, ठीक है, ये रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कैसे, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, वन बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। डीलोकलाइज कैसे, देखो डीलोकलाइज कैसे है, एक तो साइक्लिक है, देखो पहली कंडीशन क्या बताए, साइक्लिक होना चाहिए, तो बिल्कुल ये साइक्लिक में, देखो दूसरी कंडीशन क्या बताए, डीलोकलाइज होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज का मतलब वो ये यहाँ घूमता जाएगा तो ये प्लस चार्ज है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर प्लस चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी डीलोकलाइजेशन में है, डीलोकलाइजेशन हो गया। तीसरा प्लेनर है, देखो एक ही प्लेन में है तो प्लेनर हो गया। और फोर्थ हो गया हक्कल रूल को फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि हक्कल कहता है इसमें एक रिंग नहीं मानी जाती क्योंकि 6 से कम कार्बन है, तो इसको n जीरो मान लेते, तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये वाला है जो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है उसे ये फुलफिल कर रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा, इसे कहते हैं नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो है ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ये हो गया, इसे लिख लो। डन, यस सर। अब देखो इसके बाद आता है, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ इसको इसमें रख दो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, बेंजीन रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हो गए, और आपको पता है 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, और वो भी पाई वाले, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 3 बॉन्ड में देखो पाई के, बाकी तो सारे सिग्मा है, तो ये पाई हो गए, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो सारी कंडीशन फॉलो करेगा, कैसे, पहला उसने कहा साइक्लिक है, तो देखो ये साइक्लिक है, दूसरा कह रहा है डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, तो डी लोकलाइज का मतलब
एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होना चाहिए, देखो ऑल्टरनेट, ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ऑल्टरनेट में होना चाहिए, इसे कहते हैं कंजुगेटेड, ठीक है, कंजुगेटेड भी है। तीसरी चीज क्या आती है, प्लेनर है, देखो ये प्लेन में भी है, प्लेनर क्यों है, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी प्लेनर भी है। और फोर्थ फोर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एरोमेटिसिटी को शो करेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक की चारों कंडीशन को फॉलो करेगा जो उसे कहते हैं उसकी एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इसमें मेन है यहाँ पे हक्कल रूल। ये सेकंड है n=1, यस सर। ठीक है। अब देखो इसके बाद है तो बेंजीन हो गया, अब बेंजीन के बाद तीसरा कंपाउंड कौन आएगा, तो जहां पे भी ये रूल को फॉलो करेगा तो आपको सारी चीजें चेक करनी है, जैसे n=2 यानी कि दो रिंग हो गए, ठीक है, दो रिंग के लिए ऐसे फ्यूज्ड में एक रिंग ये हो गया, एक रिंग इसके साथ हो गया ये, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, अब ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो हमने कहा कि n=2 है तो इसको अप्लाई करो किसमें, हक्कल्स रूल, ठीक है, हक्कल रूल में। पहली चीज देखो ये साइक्लिक है तो बिल्कुल साइक्लिक है, देखो दोनों साइकिल में तो बिल्कुल सही है। दूसरा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है तो चेक करते हैं, देखो डीलोकलाइज का मतलब कि एक डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी सब कंजुगेशन में, तो बिल्कुल सही से कहते हैं कंजुगेशन, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसे। उसके बाद फिर तीसरा प्लेनर, तो बिल्कुल है सारे के सारे प्लेन में। और फोर है कि हक्कल रूल को फॉलो करता है या नहीं, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो n=2 है, 4 × 2+2 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 2 8 और 8+2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं, देखो कैसे इसमें आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ये, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो 5 बॉन्ड हो गए, और 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, ठीक है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहे, तो ये चारों कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है। तो ये लिख लो आप सेकेंड, n=2, ऐसे 3 4 5 चलता जाएगा, तो हक्कल रूल, तो एरोमेटिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड हो जाए या पाई सिंगल प्लस हो या पाई सिंगल माइनस हो या पाई सिंगल पाई हो, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। थर्ड है इसकी कंडीशन प्लेनर, तो सारे प्लेन में होने चाहिए। और फोर्थ है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो चारों कंडीशन जो फॉलो करेगा उसे कहेंगे एरोमेटिसिटी। ये समझ में आया? यस सर। अब इसके आगे लिख लिया आपने, यस सर। अब देखो एक और दिखा देते हैं इसमें थर्ड नेक्स्ट। अब इसी रूल को आपको हर एक जगह पे अप्लाई करवा सकते हो। एक है अगर मैंने थ्री दिखा दिया, तीन तीन कैसे, जैसे ये है आपका एक रिंग तो ये हो गई, दूसरा रिंग इसके बगल में हो गई, तीसरी रिंग ये हो गई, थ्री हो गए। अब इसमें भी मैंने इलेक्ट्रॉन करे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये हो गया, तो
अब मैंने चेक किया कि ये बताओ ये एरोमेटिसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा, तो पहला साइक्लिक है, साइकिल में सारे सारे। दूसरा इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये हो गया कि देखो एक बॉन्ड ये हो गया, फिर ये पाई, फिर डबल बॉन्ड, फिर पाई, फिर डबल बॉन्ड, फिर पाई, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी ये पाई, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद ये जाएगा पाई, फिर डबल बॉन्ड, फिर पाई, फिर डबल बॉन्ड, फिर पाई, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा प्लेनर है, तो बिल्कुल सब प्लेनर है। फोर्थ है कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करेगा या नहीं कर रहा है, तो चेक करके देखते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एन है 3, क्योंकि 3 रिंग है, एन का मतलब नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है तो उसे कहते हैं एन। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 4 × 3+2, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 × 3 = 12+2 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 7। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 डबल बॉन्ड। तो 7 डबल बॉन्ड का मतलब 7 बॉन्ड है, तो 7 बॉन्ड का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है, तो यानी चारों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ओके सर, ठीक। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी ये एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है, तो ये एरोमेटिसिटी हो गई। ओके सर, हाँ, तो ये आपका एरोमेटिसिटी भी फिनिश हो गई। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे सीधा, तो अभी है टाइम आपके पास ना, यस सर, ठीक। तो आपके पास हैं जो 3 मेथड है यहाँ पे एरोमेटिक का, वो हमने तो लगभग एक या दो तो हमने पढ़ ही लिए हैं, उसको हमने रिवीजन करना है। इसमें जैसे पहला अभी हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है यह साइक्लिक, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइल, जो अभी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ये इथाइन था, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, एच यहाँ पे भी एच, फिर यहाँ पे दूसरा है सी ट्रिपल बॉन्ड, सी यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे है सी ट्रिपल बॉन्ड, सी यहाँ पे एच, और यहाँ पे भी एच, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, हर एक में ये इलेक्ट्रॉन आगे दे रहा था, इसके बीच में बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो इसको किससे पास आउट करना था, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, ठीक है। तो जैसे हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास आउट करते हैं, ये क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाती है, तो बेंजीन रिंग का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड या जो बेंजीन रिंग है उसको कैसे बनाया उन्होंने, इस तरीके से, ठीक है। इथाइन को किससे पास आउट किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, जो अभी हमने बनाया था। तो ये पहला मेथड है इसका, ठीक है, इससे लिख लेना, ये इथाइन है आपके पास और इथाइन से बन गया बेंजीन। टेम्परेचर है 873 केल्विन टेम्परेचर, यस सर, डन। डन। अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि अगर सपोज करो उसने 2 की जगह पे 3 कार्बन दे दिए तो क्या होगा, ठीक है। 3 कार्बन देने में क्या होगा, देखो 3 में 1 को साइड चेन दिखाना पड़ेगा आपको, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये भी है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, जो इसको ये बेंजीन बनाएगा, इसको साइड कर दो, ऐसे दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 1, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा,
यहाँ पे ये आ जाएगा H और यहाँ पे CH3। फिर इसके केस में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे इसको इस तरीके से, यहाँ दिखाएंगे CH3 और यहाँ पे दिखा देंगे H। तो इसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसके मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए और इसको फिर किससे पास किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जैसे पास आउट कराएंगे क्या होगा, सेम प्रोसेस है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। किससे पास आउट किया हमने, रेड हॉट आयरन ट्यूब से। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये बेंजीन बना देगा। अब बेंजीन के बाद आगे क्या बनेगा, देखो ये CH3 भी तो लगा हुआ है इसमें, तो एक CH3 यहाँ लग जाएगा, दूसरा CH3 यहाँ लग जाएगा, तीसरा CH3 यहाँ लग जाएगा। तो इसका नॉमनक्लेचर कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 3, 5 ट्राईमिथाइल, क्योंकि 3 है मिथाइल ग्रुप के और बेंजीन, ट्राईमिथाइल बेंजीन, तो इसका IUPAC नॉमनक्लेचर हो गया 1, 3, 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ठीक। तो ये yes, आपका, हाँ इसको भी लिख लो, अगर बाय चांस आपको इस ये बनाना होगा तो इस तरीके से बना सकते हैं। ओके सर, डन। अब इसके बाद ये पहला है, अब इसके बाद दूसरा आता था डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था आपने पहले, रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में कौन सी चीज रिमूव होती है, ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा। इसको रिएक्शन करेंगे किससे, सोडा लाइम से, सोडा लाइम से करते हैं हम रिएक्शन, तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये निकल जाएगा Na, ठीक है, यहाँ से पूरा ग्रुप बाहर हो जाता है और ये क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, ये बनेगा बेंजीन और ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 ग्रुप रिमूव होना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज रिएक्टेड विद, इससे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, ये NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, 3:1 का, इन दोनों को हम 3:1 में मिलाएंगे तो उसे कहते हैं सोडा लाइम। तो जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन इज फॉर्म्ड, इसमें बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन इज फॉर्म्ड, तो इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल होना, ठीक है। तो ये रिएक्शन, तो यहां से बेंजीन बन गए देखो, ठीक, ये सेकेंड रिएक्शन इसके, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके सर, डन। यस सर। अब थर्ड इसमें आता है कि अगर आपने क्या किया, जो फिनॉल है उसमें जिंक डस्ट डाल दिया तो क्या होगा, बाय रिडक्शन जो फिनॉल होगा ना, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल लिया आपने
और फिनोल में क्या कर दिया, बाय रिडक्शन विद जिंक डस्ट, रिडक्शन विद जिंक डस्ट डस्ट। इस केस में क्या होता है, देखो जैसे फिनोल है, तो जैसे आपने फिनोल में क्या चीज जिंक डस्ट को डाला, इसमें जिंक क्या करेगा, यहां से ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये जिंक बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बेंजीन बच जाएगा और ZnO यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो बेंजीन बनाने के आपके पास हैं थ्री मेथड्स, ठीक है। तो बेंजीन के तीन मेथड हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो ये तीनों हमने किए। पहला साइक्लिक वाला था, दूसरा था डी कार्बोक्सिलेशन, और तीसरा है फिनॉल है, फिनॉल में जिंक मिला दो, बस जिंक डस्ट को डालोगे जैसे वैसे बेंजीन होगा और ZnO बाहर हो जाएगा, यानी बाय द रिडक्शन ऑफ फिनोल बाय जिंक डस्ट तो बेंजीन इज फॉर्म्ड। ओके सर, तो ये आपका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन भी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी फिनिश हो गई। अब आता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी है तो नहीं ना आपकी क्लास बायो वाली? नो सर। ठीक, तो फिजिकल, बस इसमें फिजिकल है, केमिकल एक जैसी होती है पूरी बुक में, पर केमिकल रिएक्शन अगर आपने इसमें यहां से बेंजीन से पढ़ ली तो ये पूरी बुक में एक जैसी चलेगी। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, तो बेंजीन जो उसके होते हैं फर्स्ट एट कार्बन तक लिक्विड होते हैं, फर्स्ट एट कार्बन तक लिक्विड होते हैं, और इसके बाद किस में हो जाएंगे, ये इसके हायर किस में हो जाएंगे, सॉलिड में, ठीक है। जो फर्स्ट होगा वो किस में होगा, फर्स्ट एट हो जाएगा लिक्विड में, और बाकी उसके हायर क्या हो जाएंगे, सॉलिड में। तो इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। सेकंड, इसका कलर कैसे होता है, कलर होता है इसका कलरलेस, कलर में हो जाएगा ये कलरलेस। इसकी स्मेल कैसे आती है, स्मेल या ऑर्डर, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ ना कुछ पहचान होती है, जैसे बेंजीन जैसा, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, ठीक है। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, कंबशन कर दिया अगर आपने, ठीक है, अगर आपने इसको कंबशन कर दिया, इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है, तो जब कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दे बर्न विद अ सूटी स्मेल, फ्लेम, ठीक है। कार्बन कार्बन दिखेगा आपको उसमें, सूटी फ्लेम होती है क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा होगा, क्योंकि C6H6 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। इसीलिए कार्बन ज्यादा बर्न होगा तो आपको कार्बन जैसा दिखेगा, तो सूटी फ्लेम आएगी उसकी, तो यह कंबशन वाला। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाँ वो सेम होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, सेम होता है, जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो इसे लिख लो पहले, फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। Yes, sir, done. Done. अब आता है लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका भी सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जनरली क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, ठीक है, उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे उसमें था, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन जनरल वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे। अगर सब कुछ सेम है तो जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, जितना ज्यादा वो सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, पोलैरिटी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर होते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हुए, तो उस केस में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो लिख लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Yes, sir, then. तो ये आपका फिजिकल भी फिनिश हो गया। अब लास्ट बचता है केमिकल रिएक्शंस वगैरह। केमिकल रिएक्शन भी एक जैसी होती है, ठीक है, तो अभी खत्म कर दें इसको, Yes, sir. ठीक है। तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का तो हमने बता दिया था तरीका क्या होता है कि एक ग्रुप जब दूसरे को हटाएगा तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में आता है इसमें हैलोजिनेशन, इसका एक पार्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हैलोजन। अब क्या होगा, देखो रिंग है आपके पास, ये इस रिंग में मैंने हैलोजन को ऐड कर दिया। तो अगर आपने हैलोजन को ऐड किया और यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, या यहाँ पे लाइट है, ठीक है, या कुछ भी नहीं है, हीट है लाइट है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनेगा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता। जब आपने बेंजीन रिंग का कोई भी कंपाउंड लिया और उसमें अगर Cl2 ऐड करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू का मतलब होता है लाइट या हीट लाइट, तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, इसमें नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके सर, हो गया। अब देखो अगर यस इसे सर, इसे रिंग में जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिंग में जाने के लिए इसको अगर रिंग के अंदर जाना है तो इस रिंग के बाहर हो जाएगी रिएक्शन, अंदर नहीं हो सकती। बस तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एजेंट को यूज करते हैं, जैसे Fe को यूज कर लिया, या एनहाइड्रस AlCl3 को यूज कर लिया, या फिर हमने FeBr को यूज कर लिया, या Cl को यूज कर लिया, FeCl3 को, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं लेविस एसिड होते हैं, ठीक है, ये होते हैं लेविस एसिड। तो ये रिएक्शन को करवाते हैं, अब ये रिएक्शन यहां से जाएगी और ये Cl यहां लग जाएगा, ये बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस Cl के साथ जाएगा और बन जाएगा HCl, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब अगर आपने इसमें से कोई भी एजेंट को यूज किया, Fe, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, FeBr3,
कोई भी एक रेजोन को यानी लेविस एसिड को यूज किया आपने, तो इसकी हेल्प से ये रिएक्शन हो जाएगी, वैसे नहीं होने की। ओके सर, ठीक। तो अब देखो ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जो ये FeCl3, इसका काम क्या, इसने क्या किया, FeCl3 होता ही होता है लेविस एसिड, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे Cl2 है, तो Cl Cl। अब होता क्या है, ये अप्रोच करेगा किसी एक Cl के पास, वो कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे प्रेशर बनाएगा। अब ये क्या करेगा कि जब इसके साथ ये लग गया तो ये पावरफुल हो जाता है, तो ये अब इससे इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा बाहर, ठीक है। तो अब ये कैसे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा एक Cl माइनस में, माइनस वाला कौन होगा जिसके साथ ये होगा कनेक्ट, और एक इसको बाहर कर देगा Cl प्लस को। तो आपके पास Cl प्लस बन गया और यहाँ पे बन गया FeCl4- का, ठीक है, क्योंकि तीन Cl इसके पास थे, एक Cl और अटैच हो गया, तो Cl4- का। अब ये जो प्लस वाला होता है ये यहाँ अटैक करता है रिंग में, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो ये इजिली अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां Cl आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन हो जाती है। जब ये लाइट के साथ था तब नहीं हो रही थी, क्योंकि लाइट में Cl प्लस प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे रिएक्शन नहीं हो रही थी लाइट के केस में, ठीक है। तो इस वजह से इस केस में रिएक्शन हो जाती है, इसे लिख लिया। यस सर, डन। अब होता क्या है, देखो समझ में आ गया, ये प्लस चार्ज जनरेट हुआ, अब ये अटैक करेगा इजिली, क्योंकि जो बेंजीन होता है उसमें नेगेटिव होता है तो इजिली अटैक हो जाता है। अब जब लाइट था तो लाइट के केस में क्या होता है, लाइट के केस में ही बनता नहीं है, ठीक है। जैसे लाइट है, अब ये Cl है, अब यहाँ पे अगर आपने लाइट दिया तो ये आपको बताया था ये बन जाता है फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए लाइट की प्रेजेंस में रिंग के अंदर रिएक्शन नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि वो बना देता है फ्री रेडिकल को, और फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए लाइट के साथ वो रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका। ओके सर, रिटर्न यस सर। अब देखो क्या होगा कि अगर यहां पे आपने ब्रोमीन ऐड किया, जैसे रिंग है बेंजीन, फिर इसके बाद ये Br2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे FeBr3 ले लो, ठीक है, या AlCl3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, या Fe ले लो, यानी यहाँ पे लेविस एसिड ले लिया, तो फिर वही काम करेगा, ये रिंग में क्या करेगा Br को अटैच कर देगा और HBr बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा, तो ब्रोमीन में ये होगा और क्लोरीन में वो हो जाएगा, ठीक है, इससे लिखते चले जाओ। लिख लिए।
यस सर। अब देखो, अब वो कहता है अगर सपोज करो बेंजीन में ये लग गया CH3 ग्रुप, फिर क्या होगा? CH3, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया Cl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कर लो, या एनहाइड्रस AlCl3 कर लो, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा? तो आपको पता है कि ये वाला ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा या मेटा? CH3 ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है? जो CH3 ग्रुप होता है कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो ये ऑर्थो और पैरा ओके सर। पोजीशन पे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? ऑर्थो पैरा पे ले जाएगा। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा? इसे कहेंगे 2 क्लोरो, इसका नाम है टॉलविन, और ये हो जाएगा 4 क्लोरो टॉलविन। इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपके पास, ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये हो गया पैरा। तो इसमें से ज्यादा कौन बनेगा? इसमें से ज्यादा बनता है ये वाला पैरा, ये बनेगा मेजर, और ये वाला बनता है माइनर। क्यों होता है ऐसा? ये वाला माइनर इसलिए बनता है, बता सकते हो रीजन ऐसा क्यों होता है, ये माइनर क्यों बनेगा? क्योंकि जो Cl है और ये CH3, ये आपस में क्या करने लगेंगे? रिपल्सन, पास पास होंगे, तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 और Cl क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, तो क्लोज होंगे तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी माइनर कम बनेगा। इसमें दोनों दूर दूर है, देखो ये दूर है ये दूर है, तो इसमें कोई रिपल्सन नहीं होता, नो रिपल्सन, ठीक है। और जब रिपल्सन नहीं होगा तो इसका मतलब ये मेजर बनेगा, ज्यादा ये बनेगा कम ये बनेगा, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, यस आई डन। देन अब देखो एक और रिएक्शन इसके लिखवा देते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वो कह रहा है कि जैसे बेंजीन है आपके पास, इसी के अंदर आएगा बेंजीन है, और इसमें हमने क्या किया, 6Cl2 रिएक्शन करा दी। अब इसमें मेन क्या होता है, कैटलिस्ट एनहाइड्रस अगर हमने यूज किया AlCl3, और इसे लिख दिया कोल्ड और डार्क में, ठीक है, कोल्ड एंड डार्क में। तो यहाँ पे जितने ये हाइड्रोजन होगा, ये सारे हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको, अब इसमें 12 है, इसमें से 6 कार्बन यहाँ से हटा देगा, ठीक है, 6 के 6 कार्बन यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, 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 Cl और Cl, और जितने हाइड्रोजन हटे हैं वो Cl के साथ मिलके बना देते हैं 6HCl, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो यानी 6 क्लोरो है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, HCB यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन बना देते हैं।
Yes, sir, done. Done. तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। बाकी अब थोड़ा सा रह गया है, ओके सर, तीन चार रिएक्शन हो रहे हैं, चार पांच रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये भी तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे कल परसों से। तो उसमें देखना आपको कहाँ कौन सी चीज नहीं आई। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर ओके देंगे सर, चैप्टर वाइज। ठीक है ओके, फिर, थैंक यू ओके, सर। ठीक है फिर।